नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? बच्चों, आज हम हिंदी के वर्णमाला सीखेंगे। तो हिंदी का वर्णमाला स्टार्ट सबसे पहले अ से होता है। तो आओ हम देखते हैं अ कैसे लिखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम थ्री लेटर, यू नो थ्री ना, नंबर थ्री लिखेंगे। फिर थ्री के बीच में एक स्लीपिंग लाइन, और उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, और फिर उसके ऊपर एक और छोटी सी लाइन। ये हो गया अ। क्या है ये अ? अ के बाद आता है आ। तो आ कैसे लिखेंगे? फिर से हम सेम चीज़ दोहराएंगे। थ्री नंबर, उसके बीच स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन, अप स्लीपिंग लाइन। ये अ, ये आ। जब हम अ बोलते हैं तो थोड़ा फास्ट बोलेंगे, और जब आ तो थोड़ा सा उसको हम खींचेंगे। अ आ, अ आ। अ से क्या होता है और आ से क्या होता है? अ से अनार। देखो इस बुक में बच्चों, अनार। अ से अनार, अनार मीन्स पोमेग्रेनेट। और आ, आ से आम। अ से अनार, आ से आम। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है ई। तो ई हम कैसे लिखते हैं? बच्चों, यू नो ना हाउ टू राइट एस। ओके, हमने एस लिखा, उसके बाद जस्ट एस के डाउन से हम एक स्लैंडिंग लाइन खींच देंगे, ठीक है, और उसके टॉप में एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ई, ई, ई। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है ई। ये भी सेम बिल्कुल ई की तरह लिखते हैं, पर इसमें क्या डिफरेंस है? इसके टॉप पर एक कर्व होता है लाइक सी। तो ई, ई। ई से इमली, इमली, इमली मीन्स टर्मन। और ई से इख, इख सुगर कैन। ई, ई। ई से इमली, ई से इख। उसके बाद है लेटर ऊ। जस्ट थ्री लिखकर और ऊपर स्लैंडिंग लाइन डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊ। और ऊ, उसके बाद ऊ। हमने थ्री नंबर लिखा और उसके मिडिल में एक कर्व डाल दिया, ये क्या हो गया? ऊ। ऊ, 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 ऊ। तो बच्चों, ऊ से उल्लू। आपने उल्लू देखा होगा, ये रात को निकलता है, ये हर वक्त। और ऊ से ऊन, ऊन मीन्स ऑल, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं ना वो। ऊ, ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। उसके बाद हम लिखते हैं री। ये है री। इसको लिखने का तरीका है बच्चों, सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन लिखेंगे और उसके बैक साइड ऐसे लगाएंगे, मीन्स लाइक जस्ट अपोजिट के। ओके ना, हम के को अपोजिट लिखेंगे। उसके बाद एक स्लैंडिंग लाइन लिखकर अपोजिट थ्री। फ्रॉम हियर यू हैव टू कीप अपोजिट थ्री। री, री से ऋषि, री से ऋषि, री से
ऋषि। उसके बाद का लेटर है ए और आई, ए आई, ए आई, ए ए कैसे लिखेंगे, ए जस्ट वन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन कर्व एंड अगेन वन स्टैंडिंग लाइन कर्व ए सेम ए बट टॉप ऑफ वी विल कीप वन स्लैंडिंग लाइन ए ए आई ए आई ए से एक एक नंबर वन एक और ए से एनक एनक जो हम चश्मा पहनते हैं ना ए से एक ए से एनक। अब हमारा लेटर है ओ। ये लेटर आपने पहले सीखा ना अ जस्ट आ में आ के बगल में हम एक स्टैंडिंग लाइन देंगे आ उसके ऊपर दो कर्व रेखा सॉरी एक कर्व रेखा तो ये क्या हो गया ओ और औ सेम ओ की तरह ही पर यहाँ पर दो कर्व रेखा होगी दो कर्व लाइन औ ओ औ ओ औ ओ से ओखल ओखल औ से औरत ओखल। बच्चों मेरे पास ओखल है आई थिंक आपके घर पे भी होगा ऐसा ये देखो इसमें हम अदरक या छोटी मोटी चीज़ें कूटते हैं ओ से ओखल और ओ से औरत। उसके बाद अम आहा अम में सेम आ लेटर और आहा में भी आ लेटर बट अ के ऊपर हम एक डॉट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अम और आ के साइड में दो डॉट्स आहा अम आहा अम से अंगूर जब हम अंगूर लिखते हैं ग्रेप्स अंगूर तो हम उसके ऊपर अम से वो शब्द बनता है अंगूर और अह से कुछ नहीं।